गायों का 30 रुपए में कैसे हो भरण पोषण? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गायों और पशुओं को लेकर काफी गंभीर नजर आते हैं, लेकिन सरकार से गायों के लिए दी जा रही प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से चारा राशि 30 रुपए प्रति गाय के हिसाब से भरण पोषण राशि ना काफी साफित हो रही है। गोवंश भुखमरी की कगार पर है, इसके चलते बीमार और भूख से दुर्बलता आने से गायों की मौत हो रही है और जो सरकार से मिलने वाली 30 रुपए राशि में भी बंदरबांट करते हुए गौशाला संचालकों और जिम्मेदार कर्मचारियों का भ्रष्टाचार जारी है। छुट्टा जानवरों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने जगह जगह गो आश्रय स्थल बनाए हैं, वहां भी गाय रखी जाती है, लेकिन उनकी देखरेख और खानपान सही ना होने के कारण कई बार गाय बीमार होकर मर भी रही हैं। लेकिन गौपालक और गौ संचालक सरकार से दी जाने वाली राशि को बढ़ाने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद एटा के अलीगंज तहसील का है, जहां गायों की बेकदरी अक्सर कर देखी जाती है। वहीं विधानसभा अलीगंज में 4 गांव आश्रय स्थल है, कान्हा गो आश्रय स्थल अलीगंज, कान्हा गो आश्रय स्थल राजा का रामपुर, कान्हा गो आश्रय स्थल जैथरा और अस्थाई गौशाला आजमनगर, जिसे करीब 600 गाय मौजूद हैं। गौ आश्रय स्थल के लिए सरकार ने पशु चिकित्सा विभाग और पंचायती राज विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी है, जिसके लिए दी जा रही 30 रुपए प्रति गाय के भरण पोषण राशि ना काफी साबित हो रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार जारी है। 30 रुपए प्रति गाय के हिसाब से अनुदान राशि सभी गौशालाओं को दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या गौशालाओं का चारा बनी हुई है, क्योंकि सरकार जो धनराशि गौशालाओं को दे रही है उसमें एक गाय का एक बार का भी भरण पोषण नहीं हो सकता। वहीं जानवरों को दिन में 3 बार खाने की जरूरत पड़ती है, जो कि एक बार में 5 किलो भूसा एक गाय खाती है। ऐसे में सरकार द्वारा दी गई राशि से किस तरह भरण पोषण हो सकता है? वहीं जानवरों के खाने के लिए भूसे के रुपए दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, भूसा 16 से 17 रुपए तक बिक रहा है। वहीं सरकार गौशाला के लिए 30 रुपए प्रति गाय दे रही है। किसानों ने बताया कि एक गाँव पूरे दिन में 15 किलो भूसा खाती है, वहीं सरकार के द्वारा दिए गए 30 रुपए में मात्र 2 किलो ही भूसा आएगा। वही पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के शर्मा ने बताया कि जानवरों के लिए भूसा ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए विटामिन और प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है, जो कि भूसा के साथ साथ दाना और हरे चारे के साथ पूरी होती है। सरकार जो 30 रुपए दे रही है वही एक जानवर के लिए बहुत ही कम है। एक बार में 5 किलो होगा, 3 बार एक जानवर 3 बार भूसा खाता है तो 15 किलो हुआ एक दिन का। उसके बाद हरा चारा रात तो लगभग है अब तो 75 हैं, 150, 225 कम से कम लगभग 250 रुपये का एक बार में एक दिन में। तहसील एटा में 3 काना गोला स्थल हैं, अलीगंज, राजा का रामपुर और जैतरा एवं एक अस्थायी गोला स्थल अजमनगर अलीगंज में। इन चारों में लागे करीब 600 गाय संरक्षित हैं। अच्छा, एक गाय के लिए जो भूसा आता है वो कितने रुपए मिलते हैं उसके लिए? काना से गोहातल तो नेपाल का अपने उससे चला रही हैं, अपने संस्थान चला रही हैं, वो सीधे डिमांड करते हैं अपने आपके शहरी विकास मंत्रालय करते हैं वो, लेकिन अस्थायी गोहातल स्थल का जो भुगतान है वो खंड विकास अधिकारी एवं मेरे अस्था से जो होता है तहसील जिला स्तरीय समिति ऐसा तहसील देती है, तहसील स्तरीय समिति देती है विकासखंड स्तरीय को, और विकासखंड स्तरीय से पा जाता है ग्राम स्तरीय को, तो भुगतान करते हैं वो ग्राम प्रधान सचिव, ग्राम प्रधान अध्यक्ष का सचिव सेक्रेटरी है, वो भुगतान करते हैं। एक गाय को जो सरकार द्वारा है 30 रुपये पर डे एक गाय को मिलता है।